पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। भदोही, पुलिस के साथ हुई हल्की मुठभेड़ में शुक्रवार को 25,000 का एक इनामी बदमाश गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने इस संदर्भ में बताया कि कोतवाली इंस्पेक्टर अजय सेठ व रजपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज महेश सिंह बलबल के साथ कोतवाली इलाके के भिखारीपुर में रात 11 बजे संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। तभी एक बाइक पर सवार दो लोग आ रहे थे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार मेन सड़क से उतरकर गांव की तरफ भागने लगा। पुलिस ने कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए भाग रहे बाइक सवारों का पीछा करना शुरू कर दिया। सूचना पर क्राइम ब्रांच सहित कई थाने की पुलिस पहुंच गई। रामरायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय डिग्री कॉलेज के समीप पुलिस टीम ने बाइक सवारों को घेर लिया। पुलिस से घिरता देख बाइक सवारों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम भी जवाबी फायरिंग करने लगी। बाइक सवार बदमाश की गोली रजपुरा पुलिस चेकी इंचार्ज महेश सिंह को लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने के चलते वह बाल बाल बच गए। उधर पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लग गई और वहीं पर वह घायल होकर गिर गया, जबकि बाइक पर सवार उसका साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। गोली लगने के बाद गिरफ्तार किए गए घायल बदमाश की पहचान भदोही शहर के छेलीबीर निवासी आजम अली के रूप में हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वह 25,000 का इनामी बदमाश हन तथा उसके ऊपर लमसम 36 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से एक पिस्टल, कई कारतूस व बाइक बरामद की है। बाइक के नंबर प्लेट पर वन विभाग का लोगो लगा है। घायल बदमाश को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुर्शीद अहमद की विशेष रिपोर्ट। कौन सी, उसको वहीं रखो यार जहाँ पड़ी थी। एक मिनट रुक जाना भाई। 3-4 किलोमीटर दाहिने तरफ भिखारीपुर एक पॉइंट है, वहाँ पर ये चेकिंग कर रहे थे। वहाँ चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखे, तो उन्होंने रोकने का इशारा किया। वो रुके नहीं। जब इन लोगों ने उसको थोड़ा आगे बढ़ करके पकड़ने की कोशिश की, तो पीछे बैठे हुए एक व्यक्ति ने फायर कर दिया और फायर करके तेज़ी से भागा। इन्होंने इधर से पीछा किया और शाम के समय का था, तो क्राइम ब्रांच की टीम भी भदोही में ही घूम रही थी। जब इनको ये फायर करके भागा, तो सचो गोपीगंज ने उन्हें भदोही ने उन्हें भी सूचना किया। फिर वो क्राइम ब्रांच की टीम इधर से आ गई और इनकी टीम इधर से आई। जब इस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, जब दोनों तरफ से पुलिस टीम आई, तो वो अपनी मोटरसाइकिल दोनों छोड़ के इस तरफ नीचे की तरफ भागे और वहाँ आड़ लेकर उन्होंने पुलिस पे फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान बचाव में पुलिस ने भी अपनी तरफ से जवाबी फायरिंग की, जिसमें तो एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और जिस स्थान पर उसने फायरिंग की है वहाँ पर एक पिस्टल है और वहाँ पर 4-5 खोखे पड़े हुए हैं। कुछ जिंदा कारतूस हैं जिसमें कई अलग अलग बोर के वेपन्स के कारतूस हैं। वो जो अपराधी है, इसकी जो प्राइमरी शिनाख्त हुई है, उसने जो बताया, आजम अली नाम है और ये भदोही कस्बे का ही रहने वाला है और ये थाना भदोही का HS है। इसके ऊपर करीब 20-22 मुकदमे हैं और ये थाने भदोही से दो मुकदमे वांटेड चल रहा है, जिसमें 25,000 का रिवार्ड भी है। तो अभी उसको मजरूब है, उसके पैर में गोली लगी है, उसको MBS हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।